नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पेडे में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रेलवे ग्रुप डी का पूरा ऑफिशियल सिलेबस टॉपिक वाइज हिंदी में बताऊंगा, साथ ही इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी आपको कंप्लीट डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप अंत तक वो जरूर देखना। इसके अलावा यदि आप RRB NTPC का सिलेबस जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार इस वीडियो के कम्प्लीट होने के बाद में आप NTPC का सिलेबस भी आप जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा तो आप अभी से लाइक और शेयर आप जरूर कर देना। सबसे पहले दोस्तों, हम ग्रुप डी के सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप डी में सिलेक्ट होने के लिए आपको सबसे पहले CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो क्वालिफाई करना होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT की एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये एग्जाम है वो आपका कुल 100 नंबरों का होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जो आपका CBT एग्जाम होगा, इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। इसके अंदर आपको 90 मिनट का टाइम पीरियड दिया जाएगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तब आपको इसके अंदर 120 मिनट का टाइम पीरियड है वो दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल साइंस से आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के लिए आएंगे। मैथमेटिक्स से भी आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के लिए। सबसे ज़्यादा जिसका वेटेज है वो आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इससे आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से दोस्तों 20 क्वेश्चन है वो 20 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल आपके 100 क्वेश्चन है वो 100 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तब आपका एक सही क्वेश्चन है वो काट लिया जाएगा। इसमें 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ पे मिनिमम जो क्राइटेरिया भी रखा गया है, ठीक है। तो मिनिमम क्राइटेरिया कितना है कि एग्जाम के अंदर आपको कितना स्कोर मिनिमम करना है, तो वो दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 40% है, EWS के लिए 40% है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30% है, SC और ST के लिए भी आपका 30% यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। प्रत्येक सिलेबस हम टॉपिक वाइज देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे सभी के सभी क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो आपका टॉपिक फर्स्ट है वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, फिर आपका बोर्ड मास का नियम, डेसिमल्स, दशमलव, फ्रैक्शन भिन्न, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, परसेंटेज यानी प्रतिशतता, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री यानी क्षेत्रमिति हो गया, एलिमेंट्री स्टेटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, जो भी दोस्तों आपके मैथमेटिक्स के अंदर इसको शामिल किए गए, फिर आपका पाइप है टंकी, ये दोस्तों आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया। इस पार्ट से दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन है वो 25 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने इस चैनल पे मैथ का सिलेबस है वो शुरू कर रखा है। अभी अपना परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है जिसकी एक क्लास हो चुकी है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है 30 क्वेश्चन 30 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। जिसका जो टॉपिक फर्स्ट है वो हो जाएगा आपका एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन आप ये समझ गए होंगे, इसके अंदर आपको चिन्ह चेंज करने होते हैं, बराबर में आपको वैल्यू दी गई है वो आपको बतानी होती है कि किन चिन्हों को चेंज करने पर हमें मिलती है। फिर आपका रिलेशनशिप हो गया, जमलिम हो गया, बैन डायग्राम हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशियंसी हो गया, कंक्लूजिंग एंड डिसीजन मेकिंग हो गया, सिमिलिटीज एंड डिफरेंसेस हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन दिशा वाला, ठीक है, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड एज्यूप्शन से संबंधित आपकी क्वेश्चन पूछ देंगे। ये दोस्तों आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया, इससे आपके 30 क्वेश्चन है वो 30 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। फिर हम जनरल साइंस की बात करें, इससे आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें इतना ही बता रखा है कि जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स से होंगे, केमिस्ट्री से होंगे, लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी, जूलॉजी इनसे रिलेटेड होंगे, और इनका जो लेवल होगा ना वो आपके 10th लेवल का होगा CBSE के अकॉर्डिंग।
सीबीएसई का जो 10th लेवल का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस का वीडियो है मैंने उसमें आपको ये कंप्लीट डिटेल से बता रखा है। जनरल साइंस में आपके फिजिक्स से क्या पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री से क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, लाइफ साइंस से आपका क्या पूछा जा सकता है, ये मैंने आरआरबी एनटीपीसी के वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से मैंने बता रखा है। तो एक बार आप है वो वीडियो जरूर देख लेना। फिर हम जीके की बात कर लेते हैं, यानी जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर की। तो जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर है वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित पूछा जाएगा। फिर आपका स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वो कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस का मीन्स है दोस्तों, यहाँ पे पिछली बार आपको ज्योग्राफी से भी आपको क्वेश्चन देखने से मिले थे, यानी जो और भी अपने इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट है उनसे संबंधित इसमें क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। किस किस सब्जेक्ट से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको एनटीपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। सिलेबस है वो दोनों का समान है, थोड़ा सा आपको ये एक दो टॉपिक का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, प्लस जो आपका वो एक वेटेज है ना सब्जेक्ट वाइज वो थोड़ा सा इसमें आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है। बाकी सिलेबस है वो दोनों के अंदर लगभग आपका समान रहेगा, एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंदर। आप ग्रुप डी एनटीपीसी वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, उसमें जो जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है मैंने कंप्लीट डिटेल से उस वीडियो में बता रखा है। अब दोस्तों फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों सीबीटी क्लियर करने के बाद में आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी पीईटी होगा, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट के लिए हम बात करें तो इसमें आपको 35 किलोग्राम का वजन है वो आपको 100 मीटर है, 100 मीटर की दूरी आपको तय करनी होती है 35 केजी का वजन लेकर, वो भी आपको 2 मिनट के अंदर आपको ये दूरी तय करनी होती है। यहाँ पे आपको वजन है वो नीचे नहीं गिराना है। इसके अलावा आपकी दौड़ भी होगी, दौड़ के अंतर्गत आपको 4 मिनट 15 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और आपको ये 1000 मीटर की दूरी है वो तय करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 20 केजी का वजन है वो आपको 100 मीटर दूरी पर ले जाना होगा और आपको 2 मिनट का यहाँ पे टाइम पीरियड दिया जाएगा, ठीक है। रनिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे 1000 मीटर की आपको रनिंग करनी है, यानी 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है, तो इसके अंतर्गत आपको जो टाइम दिया जाएगा वो आपको 5 मिनट 40 सेकेंड का आपको टाइम पीरियड इसके अंदर दिया जाएगा। ये दोस्तों कंप्लीट डिटेल होगी आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल टेस्ट क्या होगा, इनके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट है वो जरूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद रहेगी कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्प रही होगी, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप जरूर कर देना। इसके अलावा अगर आप ग्रुप डी और एनटीपीसी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो बीत पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।